अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे और मज़े में होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजे का, और मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। सुबह बच्चों को मैं वीटाबिक्स ही देती हूँ, और अगर उसके साथ वो हंग उन्हें भूख हो तो अंडा बॉयल करके या फ्राई करके वो भी साथ दे देती हूँ। तो अभी मैं उन्हें नाश्ता वगैरह करवा के फिर रेडी करना है पूरा दिन के लिए, और फिर नर्सरी छोड़ना है। आप लोग सुनाइए कि आप लोग नाश्ते में क्या कुछ खाते हैं, और आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं? उम्मीद है कि जो कोई भी जहाँ भी है इस दुनिया में बहुत ही खुश है, और अल्लाह सबको खुश रखे, आमीन। तो मैं अभी यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए एक ड्रिंक बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए हनी, लेमन और गर्म पानी दासे। तो ये सुबह आप इसे इस्तेमाल करेंगे खाने से पहले। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे कि इस ड्रिंक के क्या फ़ायदे हैं जो भी आप पीने लगे हैं? फ़ायदा इसका डिटॉक्सिफाइज योर लिवर, इट्स गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनाइजेशन को बूस्ट करता है। और अभी आप इसके अंदर क्या डाल रहे हैं? ये है केयन चिली पेपर। इसके बगैर नहीं आप पी सकते? नहीं, पी तो सकते हो, लेकिन ये ज्यादा जो है ना फ्लेवर सम बना लेता है। एवरीडे जब ये सेम ड्रिंक ही बंदा जब सेम ड्रिंक एवरीडे बंदा ड्रिंक करता है तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, इसलिए कोई फ्लेवर भी चाहिए। और के एन चिली पेपर का खुद भी फायदा ये है कि इट हेल्प्स विद योर इम्यून सिस्टम, गिव्स यू गुड बूस्ट। और जो बहुत ज्यादा पतले बंदे हैं उन्हें नहीं पीना चाहिए मेरी तरह? नहीं, मतलब जो बहुत ज्यादा पतले बने उनके लिए ये ठीक नहीं है। नहीं, हर बंदे के लिए ठीक है, स्पेशली जब आप हैवी खाना खाते हैं तो उसको सिस्टम को वॉश और तैयार करने के लिए, फूड के बाद रीसेट करने के लिए ये जबरदस्त है ड्रिंक। ओके, थैंक यू। ओके, यू वेलकम। नो चीज, से हेलो जोया, से हेलो। No? Hello. 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 Cheese. No cheese. Cheese. तो अभी मैंने आपको दिखाना था कि मैंने फ्री प्रिंट से पिक्चर्स ऑर्डर की थी। बेसिकली ये फ्री आपको पिक्चर्स भेजते हैं, आप मंथ में तकरीबन 45 मेरे ख्याल से फ़ोटो जो है ना वो फ्री प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ पोस्टर देनी पड़ती है जो 399 समथिंग लगता, और ये आपको फ्री प्रिंट कर देते हैं। तो मैंने ये किया था फ्राइडे को इवनिंग टाइम किया था, कि सैटरडे संडे वीकेंड थी, और वेनसडे आज इन्होंने ये डिलीवर कर दिया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, मैं आपको भी दिखाती हूँ। अगर आप लोग यूके में रहते हैं तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो इसके हमें ठीक से नहीं बता सकते कि आप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, लेकिन यूके वाले मस्ट। ये आप देख सकते हैं फ्री प्रिंट्स का, freeprints.co.uk, आप इसकी वेबसाइट पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये पार्सल आज मुझे मिला इनका, और पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, और जो अच्छी चीज़ इनकी ये है कि ये आपको ईमेल कर देते हैं इसको पोस्ट करने से पहले, और ट्रैक नंबर भी आपको भेज देते हैं और आप इसे चेक कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ भी फ्रॉड है, लेकिन फिर भी आप डबल चेक कर सकते हैं कुछ भी करने से पहले। तो आप, मेरा भी फ्लश ऑन है क्योंकि यहाँ पर रोशनी इतनी अच्छी नहीं है, तो लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं इनका रिज़ल्ट काफ़ी सारा बेहतर है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया है।
क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें ज़्यादातर तो मोबाइल मेमोरी कार्ड्स वगैरह में पिक्चर्स होती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कि ऐसे पिक्चर्स अच्छी लगती हैं, तो मैं तो अब एवरी मंथ ये लिया करूँगी और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं, लेकिन साइज़ जो है, अगर आप जो फ्री वाला करवाना चाहते हैं वो आपको बस इसी साइज़ में मिलेंगे, लेकिन अगर आप इससे बड़ा साइज़ करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू पे फॉर इट। और कुशन्स वगैरह भी आप करवा सकते हैं। कप्स मैंने देखे थे जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे पिक्चर्स बने हुए थे, तो वो मैं सोच रही हूँ कि जब किसी की बर्थडे वगैरह होगी तो गिफ्ट देने के लिए मैं उनको बना सकती हूँ। आप ये कर सकते हैं, गुड लक। और अभी दिन के तकरीबन 2 बजने वाले हैं और मैंने खाने में कुछ भी नहीं खाया, और मैं बस फ्रूट ही लूँगी और थोड़ा दूध वगैरह ले लूँगी साथ, और उसके बाद हम जाएंगे आयशा को नर्सरी से पिक करने के लिए, और वापस आके मुझे पास्ता बनाना है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो ये मेरी फर्स्ट व्लॉगिंग है। आई डोंट नो ये कैसी बनेगी, क्योंकि मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, मेरे कैमरे में इस तरफ देखना है, ये इस तरफ देखना है, बोलना है या क्या नहीं करना, लेकिन आई होप ये ठीक बनेगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर थम्स अप और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ज़्यादा है कि मेरी हौसला अफजाई होगी, और मैं कोशिश करूँगी कि फिर और से और वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, और फिर हम अपने अभी मैं बना रही हूँ रात के खाने में पास्ता बना रही हूँ। मुझे लगता है कि इसकी रेसिपी हर कोई जानता है, तो इसलिए मैं इसको पूरा फिल्म नहीं कर रही, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा हम पास्ता नहीं बनाते, कभी कभी जब कुछ समझ नहीं आ रही हो कि क्या बनाएं तो फिर पास्ता ही बन जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या बनाएं तो आप समझ लेंगे पास्ता बना लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोग क्या बनाते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिस दिन आपको समझ नहीं आ रही हो, या मेरे ख्याल से जिस दिन आपको नहीं समझ आ रही हो क्या बनाना चाहिए, उस दिन ज़्यादातर हमारे घरों में आलू अंडे ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मौसम की अगर बात की जाए तो कल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम था, अच्छे से मुराद गर्मी तो नहीं थी, लेकिन यह है कि धूप निकली हुई थी, बाहर चलने में थोड़ा मज़ा आ रहा था, और ऐसे अच्छी अच्छी फीलिंग हो रही थी जैसे कि बस समर आने वाला है। लेकिन जैसे ही आज सुबह हम उठे तो इतनी ज़्यादा बाहर धुंध पड़ी हुई थी और इतनी ज़्यादा सर्दी थी, लगता है कि बस सारा कुछ ही बदल गया है। कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस समर आ गया, अब मैं रोज़ाना बाहर जाया करूँगी, क्योंकि अब मज़े का मौसम हो गया है। ये जब सर्दी ज़्यादा होती है, धुंध होती है, उस टाइम आपको बाहर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इंसान अकेला हो तो चल सकता है, लेकिन बच्चों के साथ मुश्किल भी हो जाता है, और निकालना उनको, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको पता ही है कि बच्चे को ज़ुकाम और ये नज़ला बहुत जल्दी पकड़ लेता है, और एक दफ़ा अगर एक बंदे को घर में ज़ुकाम हो जाए तो समझ लें कि फिर बारियां लग जाती हैं, वन बाय वन सबको हो जाता है, और जब तक लास्ट बंदे को ख़त्म होता फिर शुरू वाला बंदा दोबारा से पकड़ा जाता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि ऐसे मौसम में बाहर निकलना बच्चों के साथ अवॉइड किया जाए। गाड़ी में बंदा बाहर जाता तो है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जैसे आप चल के गिता जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि बंदा सारा दिन बाहर रहता है या अंदर भी रहता है तो ऐसे पता चलता है दिन हो रहा है रात हो रही है। यहाँ पे घर बंद बंद होते हैं, आपको कभी कभी पता ही नहीं चलता कि रात कब हो रही है और दिन कब हो रहा है। गर्मियों में है कि बंदा थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाता है तो थोड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है। तो अभी पास्ता हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, हम लोग अब इन्जॉय करेंगे, और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।